नमस्कार दोस्तों रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रांसनेशनल सोलर ग्रिड प्लान को ये कॉप ट्वेंटी सिक्स समिट के साइडलाइंस में इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट हुआ है इस इनिशिएटिव का नाम होगा ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन ग्रिड ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है क्योंकि ये गेम चेंजर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्लीन सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हुआ क्या है ये जो वन सन वन वर्ल्ड है यह है क्या इसके की पॉइंट क्या है एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो चलिए शुरू से, से शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं हुआ क्या है जो ये इनिशियटिव है ये दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने लॉन्च करा है इस इनिशियेटिव का नाम है ग्रीन ग्रिड्स इनिशियटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये कॉप ट्वेंटी सिक्स जो समिट हो रहा है उसके साइड लाइन्स में लॉन्च हुआ है ऑन नवंबर टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन हालांकि इसके लॉन्च से पहले ही ये लॉन्च होने वाला है उसकी बातें ऑलरेडी हो चुकी थी मई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये डिसाइड किया गया था इंडिया एंड यूके की गवर्नमेंट द्वारा कि जो यूके का ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव है एंड इंडिया का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है उसको कंबाइन करा जाएगा एंड फाइनली उसे जॉइंटली लॉन्च करा गया नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एज ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एट कॉप ट्वेंटी सिक्स क्लाइमेट समिट ग्लासगो जो ये लॉन्च है उसके इमीडिएटली बाद वन सन डिक्लेरेशन को एंडोर्स करा गया था ये 83 इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने एंडोर्स किया था बेसिकली वन सन डिक्लेरेशन का आइडिया ये है कि जो सारी कंट्रीज़ हैं जो सन से आने वाली रिन्यूएबल एनर्जी हैं उसे यूज करेंगे इंडिया जो है जो इस इनिशिएटिव को स्टीयरिंग स्टीयर steer करने के लिए जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसका मेंबर है इंडिया के अलावा इस स्टेयरिंग कमेटी में चार और कंट्रीज हैं जो है यूके यूएस फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया अब देखते हैं कि जो वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड का आइडिया है वो है क्या जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट है उसे कंसेप्चुलाइज करा गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एंड इसको पुट फोर्थ करा गया प्रेजेंट करा गया फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो अक्टूबर 2018 में हुई थी ये है वो फर्स्ट असेंबली जिसमें इस आइडिया को प्रेजेंट किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो 2015 में फाउंड हुआ था इसको रेटिफाई करा गया था 2018 में इसीलिए जो फर्स्ट असेंबली है वो 2018 में हुई इसका हेडकोार्टर है गुरुग्राम एंड इसका जो सेक्रेटेरिएट है उसे कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी तो यहाँ पे सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट दिया अब हम देखते हैं कि जो आइडिया है उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है जो ये कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा जो सप्लाई करेगा सोलर पावर को अक्रॉस द ग्लोब इसीलिए जो है कॉन्सेप्ट जो आइडिया है वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कि एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाया जाएगा जो सोलर पावर सप्लाई करेगा अक्रॉस द ग्लोब जो विजन है इस मंत्र के बिहाइंड वो है द सन नेवर सेट्स किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में वर्ल्ड अगर वर्ल्ड को एज अ होल देखें तो कहीं ना कहीं जो सन है वो होगा इसीलिए जो सन है हम कह सकते हैं कभी भी सेट नहीं होता है तो ग्लोबली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो सन है उसकी पावर को यूज करा जा सकता है हार्नेस करा जा सकता है एंड थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स सारे जो नेशंस हैं वो कनेक्ट होंगे इसीलिए एक जगह से सन एंड की एनर्जी को हार्नेस करके दूसरी जगह सप्लाई करा जा सकता है तो जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है वो फर्स्ट इंटरनेशनल नेटवर्क होगा ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड्स इसमें क्या क्या होंगे ये कंबाइन करेगा लार्ज स्केल सोलर पावर स्टेशन को फार्म्स को ग्रिड्स को जो रूफ टॉप पे जो घरों के ऊपर जो रूफटॉप के सोलर पैनल्स होते हैं उन ग्रिड से जो कनेक्टेड होते हैं उसकी भी पावर लेगा एंड कम्युनिटी ग्रिड्स की भी पावर लेगा ये जो नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड्स का ये इंश्योर करेगा कि एक रिलायबल रिजिलियंट एंड अफोर्डेबल सप्लाई होगी क्लीन एनर्जी की सबके लिए तो जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आइडिया है वो एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कंस्ट्रक्ट करने का है जो एक पार्ट ऑफ ग्लोब से पावर को हार्नेस करके दूसरे पार्ट ऑफ ग्लोब में उस पावर को ट्रांसफर कर सके क्योंकि ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट है कि सन कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हमेशा होता ही है तो ये हमने देख लिया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्या है अब हम इसके जो की पॉइंट हैं जो प्रमुख बिंदु हैं उनको देखेंगे ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पीयर करा जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा एंड जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो इसको डेवलपमेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्रिंग टुगेदर कर रहा है एक ग्लोबल कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेटर्स पावर सिस्टम ऑपरेटर्स एंड नॉलेज लीडर्स ये जो कोलिशन है ये एक्सेलरेट करेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन जो वर्ल्ड को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो ये ग्रिड है ये सेटअप कर किया जाएगा कुछ सालों में बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इंडिया का अभी तक का सबसे एम्बिशियस स्कीम है जो इंडिया ने अंडरटेक करी है या इंडिया जिसके सेंटर पे है इसका बहुत ग्लोबल सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पे जो वेल टू डू कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने टेक्निकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स को शेयर कर रहे हैं With other countries. जो इंटरनेशनल सोलर अलायस है यह हेल्प करेगा टू मोबिलाईजन ट्रिलियन डॉलर ऑफ फंडिंग बाई ट्वेंटी थर्टी ये फंडिंग असिस्ट करेगी डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी सोलर पावर ग्रिड की कैपेसिटी को एनहेंस करने में ये जो कैपेसिटी एनहसमेंट होगा ये ट्रांसमिशन में होगा एज वेल एज जनरेशन में होगा इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड गिगावाट ऑफ कैपेसिटी को डेवलप करा जाएगा बाई ट्वेंटी फिफ्टी एंड इससे जो एस्टिमेटेड पावर सेविंग होगी वो 226 बिलियन यूरोस की होगी पर ईयर जो वन सन डिक्लेरेशन है जिसको एंडोर्स किया गया था इस इनिशिएटिव को लॉन्च करते समय ये एक मल्टीलैटरलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो साथ में आएंगे टू ड्राइव अ सस्टेनेबल इम्पैक्टफुल चेंज फॉर अ क्लीनर प्लान एंड अ ग्रीनर इकोनॉमी ये जो इनिशिएटिव है ये इम्प्लीमेंट करा जाएगा थ्रू अ मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग ग्रुप जो हेल्प करेगा एक्सेलरेट करने में कंस्ट्रक्ट करने में लार्ज सोलर पावर स्टेशन एंड विंड जो सबसे जो बेस्ट पॉसिबल लोकेशन है वहाँ पे होंगे एंड इन सब इस पूरे सेटअप को लिंक किया जाएगा बाय लार्ज स्केल ग्रिड्स कॉन्टिनेंटल स्केल के ग्रिड्स के साथ जो अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज होंगे मतलब अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स होंगे ये जो मिनिस्ट्रल ग्रुप है इसके जो मेंबर्स हैं वो इंक्लूड करेंगे फ्रांस इंडिया यूके यूएस अफ्रीका से कंट्री होगी गल्फ से कंट्रीज होंगी लैटिन अमेरिका से कंट्रीज होंगी एंड साउथ ईस्ट एशिया से कंट्रीज होंगी जो ये सोलर ग्रिड सिस्टम है सोलर स्पेक्ट्रम है उसमें जो इंडिया है वो मिडल में होगा फलक्रम में होगा एंड इस सोलर स्पेक्ट्रम को डिवाइड करा जा सकता है दो ब्रॉड जोन में पहला है फार ईस्ट एंड दूसरा है फार वेस्ट जो फार ईस्ट है वो इंक्लूड करेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एंड जो फार वेस्ट है वो इंक्लूड करेगा मिडल ईस्ट एंड एफ्रीकन रीजन को तो ये हो गया सोलर ग्रिड का स्पेक्ट्रम इंडिया मिडिल में है फार ईस्ट इंक्लूड करेगा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एंड जो फार वेस्ट है वो इंक्लूड करेगा मिडल ईस्ट को एंड अफ्रीकन रीजन को जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेजेज में होगा जो प्लान है वो तीन फेजेज में इम्प्लीमेंट होगा सबसे पहले फेज में जो इंडियन ग्रिड है उसको मिडल ईस्ट साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करा जाएगा एंड जो ये ग्रिड है इसके थ्रू सोलर एनर्जी एंड अदर एनर्जी रिसोर्सेज को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को शेयर करा जाएगा तो जो इंडियन ग्रिड है उसको साउथ ईस्ट एशिया साउथ साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट से कनेक्ट करा जाएगा एंड सेकेंड फेज़ में जो फर्स्ट फेज़ के नेशंस हैं उनको अफ्रीकन पूल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज से कनेक्ट करा जाएगा माने जो साउथ एशिया था साउथ ईस्ट एशिया था एंड मिडल ईस्ट था उसको अफ्रीका के साथ कनेक्ट करा जाएगा फेज टू में फिर जो फेज थ्री है उसमें जो फेज टू तक जो कनेक्ट हुए थे उन सबको वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करा जाएगा एंड जो कंक्लूडिंग स्टेप है वो है ग्लोबल इंटरकनेक्शन इससे जो ड्रीम है सन नेवर सेट्स की जो आइडिया है जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड का वो पूरा होगा तो हमने अब देख लिया जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का की पॉइंट्स थे प्रमुख बिंदु थे वो क्या हैं अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है जो ये प्रोजेक्ट है ये हेल्प करेगा पार्टिसिपेंट्स को इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रिनीबल एनर्जी सोर्सेज तो जो ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो अपने ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज कर सकते हैं उनके स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं क्रीन टेक्नोलॉजी को परचेज कर सकते हैं एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए फाइनेंसिस की जरूरत है वो पार्टिसिपेटिंग नेशनस को मिलेंगे तो जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इस प्रोजेक्ट का वो है कि ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद काफ़ी सेविंग होगी तो जो ये सेविंग होने वाली है इससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होने होगा उसको पॉजिटिवली यूज़ करा जा सकता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में एंड जो वाटर सैनिटेशन फूड एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है उसको यूज़ करा जा सकता है ये जो प्रोजेक्ट है क्योंकि ये इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं मल्टीपल कंट्रीज हैं तो ये जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होगा इस प्रोजेक्ट के वजह से एंड जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा एफिशेंसीज हायर होंगी एंड जो एसेट यूटिलाइजेशन है पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज़ का वो इंक्रीज होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो जो इंडिया के नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर्स हैं वो ग्रो होंगे एज रीजनल एंड ग्लोबल मैनेजमेंट सेंटर्स एंड फाइनली ये प्रोजेक्ट इंडिया को हेल्प करेगा इन जनरेटिंग 40 परसेंट ऑफ इट्स पावर बाय नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय 2030 तो ये हमने डिस्कस किया इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए एज वेल एज वर्ल्ड के लिए क्या है आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था अगर था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर